उन्हें छोड़ दीजिए वरना लक्ष्मी खाना खा लीजिए। नहीं लक्ष्मी, महारानी की तरह रहने वाली तुम्हें और अपने बच्चों को आज मैं रोड पे ले आया हूं। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया लक्ष्मी? ऐसी बातें मत कीजिए, अच्छे लोगों की ही वो भगवान इतनी परीक्षाएं लेता है। आपको तो मुझे हिम्मत देनी चाहिए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बच्चों को देखिए, आपके बिना इनका क्या होगा? अपने लिए ना सही, इनके लिए ही थोड़ा सा खा लीजिए। तुम भी खा लो। हमने खा लिया है डैडी, आप खा लो। पहले तुम खा लो। सुनिए, मैं भैया के पास जाकर आती हूँ। नहीं लक्ष्मी, ये बात भैया को पता ना चले तो ही अच्छा है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो कुछ नहीं सोचेंगे, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। और जब भी मुसीबत में आती हूँ तो भैया के अलावा और किसके पास जा सकती हूँ? उनके अलावा और कौन बचाएगा हमें? ठीक है, संभल कर जाना। मेरी तबीयत खराब है फिर भी चले गए। बहन मुझसे भी बढ़कर हो गई क्या? अरे सुनो भाई, ये गेट पर सील क्यों लगा हुआ है? कोर्ट ने इसे जब्त कर लिया है। इस घर पे बहुत कर्ज है। घर के मालिक को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। बेचारी उसकी मजबूर बीवी खाली हाथ अपने बच्चों को लेके चली गई है। उसके भाइयों ने उसे धोखा देके पूरी जायदाद अपने नाम करके उसे हवालात में जाने पे मजबूर कर दिया। उन्हें छोड़ दीजिए वरना बहन ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था? क्यों तुम लोगों ने उसे परिवार के साथ रोड पर कर दिया? तुम्हारे तो हम सब बताते हैं तुम्हें जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब इसका क्या धरा है? इन सब का कारण वो सूर्यकांता है। कुछ भी कहो लेकिन तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ अन्याय किया है। मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए।
इनका चेहरा देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। अब पुलिस स्टेशन जाकर तुम लोग अपनी गलतियों को मान लो और शाम तक आकाश छूट जाना चाहिए, वरना